वेलकम अगेन। और जी हाँ, हरी चटनी जो है वो बन चुकी है और जो है दूसरी चटनी जो है वो रेडी हो रही है। ये हरी चटनी बन गई है क्योंकि हमने इसको ग्राइंड कर लिया था ब्रेक में और शोर बहुत होता है तो इसीलिए। लेट्स सी दूसरी चटनी का बताइएगा। हाँ जी, इमली की चटनी में मैंने ये किया, इमली का जो पल्प वाला पानी था वो सिर्फ जस्ट मैंने इसमें डाला है जब ब्रेक थी और मैंने उसको कुक करा है 5 मिनट्स। आपने उसको कुक करना है और आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। जब इस लेवल पे इसकी थिकनेस होगी तो आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भुना कुटा जीरा, रोस्टेड क्रश क्यूमिन 1 टीस्पून जो मेरे पास मौजूद था। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ शुगर, क्योंकि इसमें शुगर जाती है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ये, तो हम इसको नॉर्मल करने के लिए शुगर। और आप चाहें तो गुड़ वगैरह ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसके अंदर शुगर गई है। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ और कुटी लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल की है। काला नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और चाट मसाला मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रहा है मैंने। ये तमाम मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और मशीन का कहिएगा सर जल्दी लेकर आए। ये देख सकते हैं आप, इमली की चटनी हमारी तैयार हो गई है। ओके ठीक है, ये हमारी इमली की चटनी रेडी है। ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी होती है और ना बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इमली की चटनी का ये रेडी है। 2 मिनट्स में हमारी ये चटनी बनी है। स्टोव को मैंने ऑफ, हम इसको गुड हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे इसमें। ग्रेट, ओह हो, और बहुत जबरदस्त। और एंजॉय कीजिएगा बकरीद के ऊपर, बकरीद पे आप इसको बारबेक्यू के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहूंगी, जब भी आप गोश्त बनाएं घर में और साथ साथ आपने सैलेड जरूर बनानी है, जब भी बारबेक्यू करें या आप कोई भी गोश्त की चीजें बनाएं तो आप सैलेड्स को सब्जियों को। अच्छा जी, सेकंड भी आपकी चटनी बन गई है। अच्छा, अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कीजिए। लाइन आ जाए जल्दी से, अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा जी, हम थर्ड जो हमने कहा था टमाटर की चटनी, और इसके लिए ये लीजिए प्लीज, आ जाए शुमला इस साइड आ जाओ फटाफट जी। एक सेकेंड। अच्छा, अभी क्या करना है? चले ठीक है, क्या करना है? कुछ ऑन करना था इसको, क्या बनाना है इसके ऊपर? प्याज को सौते करना। अच्छा जी, ये लीजिए। ठीक है वो। ओके, मैच बॉक्स। अच्छा, ये रहिए इसमें, इससे जला लो ये जी। ठीक है, ओके, डन हो गया। थैंक यू। ओके, इट्स माय प्लेजर जी। अच्छा, इसमें मैंने क्या करा है, ये मेरे पास पैन था, ठीक है, इमली वाला ही पैन, बस हल्का सा ही वो। हाँ, क्योंकि वैसे टमाटर में खटास होती है तो हमने सिर्फ इसको सौते करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए विदाउट एनी ऑयल के। अच्छा, विदाउट एनी ऑयल के, कोई वो जरूरत नहीं जी, क्योंकि हम इसमें भी डाल दो। जी जी, हरी मिर्चें भी जाएंगी इसमें क्योंकि ये स्टोरेज वाली है, तो हम इसको यहाँ हम इसको सौते करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, की बाकी चीजें हम इसमें ऐड कर लें, क्या क्या था इसमें? इसके अंदर मुझे गर्म मैं करती हूँ, आप इस साइड आओ जाओ जल्दी जल्दी शुमाइल, जल्दी जल्दी जी। शेफ शाहिना शुमाइल, आज 3-3 चटनियां उन्होंने कहा है कि आज सिखा दें हम आपको, बहुत सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो लेट्स सी। बस हल्का सा इसको, सौते हो गई है यहाँ, और क्या डलेगा वो बताओ। टमाटर है वो भी मैं इसको साथ सौते करूंगी। वाओ, जबरदस्त। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है मैं वो यहाँ शामिल कर रही हूँ और ये सभी के हाथों की चटनी बन रही है। नहीं नहीं, इसमें शुक्र आपने ये नहीं कहा सभी की चटनी। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट जो था हमारे पास वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, सॉल्ट थोड़ा सा कम ही रखिएगा। ओके, क्यूमिन हमारे पास जो था वो हमने शामिल करा है, डन हो गया। और हल्दी और काला नमक मैंने इसमें शामिल किया है, रोस्टेड क्रश क्यूमिन इसमें शामिल किया है, और किसी भी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल करी है। डन हो गया। अच्छा, ग्रीन चिलीज जो है हमारे पास इसमें, ये हमने फर्स्ट टाइम ऐसी चटनी वो देख रही हूँ ना, हम तो सिल पे ठक ठक ठक। ये स्टोरेज वाली है, आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। बस इतना ही इतनी काफी जी, तगे तगे जरा हीटनेस में ये हो गई है। और मैं इसको अब ग्राइंड करूंगी। फ्लेम आउट बंद कर दूं जी? फ्लेम को ऑफ कर दो। ग्लैम गैस का हमारे पास स्टोव है और ये फ्लेम बंद हो गई। यस, ओके, डन हो गया। फटाफट से झटपट, हां झटपट चटनियां तैयार और कलर्स यहां मौजूद है। आपने खाना है इसको अपने घर में, जो है आपने बोटियां बनानी है, कलेजी और टिक्का, जो भी आप बनाना चाहें। अच्छा, 2-3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं और बाकी जो है ना मैंने इसमें नहीं डाली। पानी की क्या जरूरत पड़ेगी कि देखेंगे, अगर हमें नीड पड़ी तो हम डाल देंगे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ओके, 1
ओके आई थिंक सो थोड़ा सा पानी करना है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा करने ताकि क्विकली हो जाए जी, और इसमें ऐड कर लें थोड़ा सा पानी। यस बस 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 काफ़ी, अब मेरे ख्याल में जल्दी हो जाए। हाँ इसमें ऐड करो फटाफट कर जी नाज़रीन। और आज हम लोगों ने सीखी है चटनियाँ, ओके यस, बस यहाँ रख दो, यहाँ से ही चेक करो, नहीं नहीं चाहिए सर, गुड गुड है, यस बस यानी ओके, डन हो गया, डन हो गया। बंद करें इसे, बंद करें। माँ हम आपको थोड़ा सा इसमें बाउल में डाल के दिखा देते हैं, बाकी आपको मजीद ग्राइंड करना तो आप ग्राइंड कर सकते हैं। टाइम यहाँ पे शुमाइला ख़त्म हो गया, इसको उसमें वो कर दें, फिर बाद में हम इसको दोबारा ग्राइंड कर देंगे। ज़रा सा आपको शो कर लें कि तीन जो है वो डिश में प्रेजेंट हो चुकी हैं, मज़ीद आपको इसको ग्राइंड करना हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं कि ठीक है। अच्छा टमाटर की चटनी की खास बात ये है, जो हमने ये वाली चटनी बनाई है आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपने इसको रोटी के साथ बनाना है तो आप इसमें ऑयल डालें और आप इसे रोटी के साथ एंजॉय करा दीजिए। ठीक है जी, जी नाज़रीन डन इट। तीन चटनियाँ, इमली की, हरी चटनी एंड पुदीने की चटनी। थैंक यू, वेलकम सो मच जी नाज़रीन। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।